हेलो गाइज, मेरा नाम है शालिक राम पटेल और आज हम लोग मैक्सिमम टिप कैलकुलेटर प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कोई रेस्टोरेंट है, उसमें दो वेटर हैं, एक्स और वाई। यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी दो वेटर हैं और हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ टेबल्स हैं जिनके ऑर्डर या तो ए लेगा या बी लेगा। तो हमें ये दिया हुआ है कि अगर ए ऑर्डर लेता है उस टेबल का, ये टेबल नंबर इसको अगर हम लोग कंसिडर कर ले तो 1 2 3 4 5 6 या फिर हम 0 से काउंट कर सकते हैं। तो ये टेबल नंबर 1 का ऑर्डर अगर ये लेता है तो इसको टिप मिलने के चांसेस 9 है, और अगर बी लेता है तो इसको टिप $5 की या डॉलर या रुपीज में आप जैसे चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 यूनिट इसको टिप मिलेगी। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास टेबल हैं उनकी टिप यहाँ पे दी हुई है कि कौन सी टेबल पे अगर ए ऑर्डर लेता है तो कितनी टिप मिलेगी, बी ऑर्डर लेता है तो कितनी टिप मिलेगी। साथ में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे एक्स ऑर्डर ले सकता है, यानी कि ए कितने ऑर्डर ले सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ऑर्डर, और बी कितने ऑर्डर ले सकता है 4 ऑर्डर, और इन दोनों का सम जाहिर सी बात है इनसे ज्यादा होना चाहिए। अगर इनसे कम होता है तो कोई ना कोई ऑर्डर छूट जाएगा। तो इन दोनों का सम पहली बात तो यह कि इनसे ज्यादा होगा और या फिर इनके बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है और इनका सम 7 हो रहा है, यानी कि ये कोई 3 ऑर्डर ले सकता है मैक्सिमम। जरूरी नहीं है कि 3 ले, 2 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 ऑर्डर एक एट अ टाइम ले सकता है। सिमिलरली ये 4 ऑर्डर मैक्सिमम ले सकता है। तो ये प्रॉब्लम है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम जो टिप होगी मैक्सिमम कब आएगी। तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम तभी आएगी जब हम मैक्सिमम वैल्यू को पिकअप करेंगे। जैसे अगर हम बात करें ये 3 ऑर्डर ले सकता है तो तीनों के तीनों मैक्सिमम ले ले, अगर 9 8 और 9 ये तीनों के तीनों मैक्सिमम ले ले, उसके बाद ये जो बाकी के रिमेनिंग है ये मैक्सिमम ये वैल्यू सेलेक्ट कर ले। जैसे यहाँ पे ये सेलेक्ट करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा, और देखिए ये मैक्सिमम नहीं है फिर भी इसको सेलेक्ट करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि ये 3 ऑर्डर ले सकता है। अगर यहाँ पे 7 भी होता, मान लीजिए यहाँ पे 7 है, तब भी ये ऑर्डर बी को ही लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 3 ऑर्डर ले सकता है। तो यहाँ पे अगर हमें ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व करना बहुत आसान है, देखने में पता चल जा रहा है और हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। लेकिन अगर इसको प्रोग्रामेटिकली अगर हम सॉल्व करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो डाटा है वो कितना बड़ा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसका बेसिकली ये डीपी का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसको विदाउट डीपी ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसको बिना डीपी के, यानी कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बिना इसको सॉल्व करने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो बेसिकली दोनों सॉल्यूशन आपके ऑप्टिमल ही है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ एन आएगी, और जो डायनेमिक प्रोग्राम है वहां पे आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ एक्स इंटू वाई आएगी। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आपकी, जो कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे सॉर्टिंग भी करनी है और यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस भी ज्यादा लेना होगा। तो बेसिकली इसका जो लॉजिक है वो क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग को सॉर्ट करेंगे। डिफरेंस मतलब जिसकी वजह से ज्यादा अंतर आ रहा है हम उसको पहले पिकअप करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 और 8 है, इसका डिफरेंस 6 है, जबकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 4। तो अगर बी 5 वाला ऑर्डर लेता है और ए 9 वाला ऑर्डर छोड़ता है, 9 वाला ऑर्डर छोड़ता है, तो यहाँ पे कितने का अंतर पड़ेगा 4 का। लेकिन अगर यहाँ पे ये 8 वाला ऑर्डर ए ना लेके बी लेता है तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का पड़ जाएगा 6 का। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वाले पोजिशन पे ये वाला ही ऑर्डर ले। तो हमें इसीलिए जिसकी इंपोर्टेंस ज्यादा है हम उसको पहले सॉर्ट करेंगे। तो हम इसको सॉर्ट करने के लिए अगर हम लोग प्रोग्राम इसका देखें तो हमें सॉर्ट करने के लिए दो वैल्यू चाहिए होंगी। एक तो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी कि अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें सब्ट्रैक्शन तो करना ही, साथ में हमें वो टेबल नंबर जो कि इंडेक्स है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स कह सकते हैं टेबल नंबर, तो हमें वो टेबल नंबर भी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे जो कि दोनों चीजों को कंबाइन रखेगा। आप चाहें अगर आपको एसटीएल आता है तो आप एसटीएल यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप वेक्टर या एरे लिस्ट या आप यहाँ पे पेयर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता तो यहाँ पे आप सिंपल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्ट पेयर में यहाँ पे नाम दे रहा हूं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, पेयर नाम दे रहा हूं। और इसमें कौन कौन सी वैल्यू रहेगी, सबसे पहले तो रहेगा इंटीजर ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस कह सकते हैं या फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस कह सकते हैं डिफरेंस, और दूसरी वैल्यू रहेगी आपकी इंटीजर इंडेक्स।
अब ये इंडेक्स कह सकते हैं आप या फिर इसको टेबल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉर्ट करेंगे, आपको पूरा प्रोग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे आपको फुल प्रोग्राम आपको मिल जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हम इस स्ट्रक्चर को सॉर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनका जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आएगा फोर, यहाँ पे मैं रेड मार्कर यूज कर ले रहा हूँ, फोर, इसका डिफरेंस आएगा सिक्स, इसका डिफरेंस आना चाहिए थ्री। देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम ग्रेट बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को मैक्सिमम में से माइनस मिनिमम करना है। यहाँ पे आएगा थ्री, यहाँ पे आएगा आपका फोर, और यहाँ पे आपका आएगा फाइव, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट कर लेना है किस तरीके से, जिसका मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है। तो इनके साथ साथ एक इंडेक्सिंग भी चल रही होगी, तो चाहे आप इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट करिए चाहे वन से स्टार्ट करिए, आपको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको इंडेक्स देना है। तो चूंकि प्रोग्राम में एरे का इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है, तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं या वन से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये टेबल नंबर जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। अब इनको हम लोग ऑर्डर करेंगे किस ऑर्डर में, कि मैक्सिमम सबसे पहले आए, तो यहाँ पे हमारा सिक्स कॉमा वन वाला पहले आएगा, तो यहाँ पे सिक्स वन, उसके बाद फाइव कॉमा फाइव, फाइव फाइव, उसके बाद फोर कॉमा जीरो, फोर कॉमा जीरो एंड फोर कॉमा फोर। उसके बाद आपकी वैल्यू क्या आएगी, फोर कॉमा फोर के बाद थ्री कॉमा टू एंड थ्री कॉमा थ्री, थ्री एंड थ्री टू। ये नीचे टेबल नंबर है और ऊपर आपका वैल्यू है। तो ये हमारा सॉर्टेड जो हमारा एरे है, इसको एरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रक्चर का एरे है। तो अब हमारे ये सॉर्ट वैल्यू है, ये पहली वैल्यू आपकी डिफरेंस है और ये दूसरी वैल्यू आपकी टेबल नंबर है। अब हमें क्या करना है, हम एक लूप लगाएंगे, इन सारी टेबलों को कैलकुलेट करना है जब तक कि सारे ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाते। तो वन टू लेके एन तक, और ये सबसे पहले हमने सॉर्ट किया तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो इसके बाद हम एक लूप लगाएंगे आई इक्वल्स टू जीरो से लेके एन तक, ताकि सारे ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम चेक करेंगे अगर हमारे जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, हम इसको फेच करेंगे सबसे पहली वैल्यू जो होगी उसके इंडेक्स को चेक करेंगे। अब इंडेक्स कौन सा है, वन, इंडेक्स क्या है वन, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे देखेंगे, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे ये वाला इंडेक्स है फर्स्ट, तो इस वाले इंडेक्स पे ये वैल्यू है, इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी उसको पिकअप कर लेंगे। यानी कि यहां पे हम लोग सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि बड़ी वैल्यू किसकी है। अब बड़ी वैल्यू किसकी है, ए वाले की, पहले वाले की। तो हम चेक करेंगे क्या एक्स कितने ले सकता है, तीन, तो ये कितनी वैल्यू है, अभी वन है, तो हम एक्स एक वैल्यू ले लिए, तो यहाँ एक्स की वैल्यू टू बचेगी, अब दो ऑर्डर और ले सकता है। तो हमें इसको अपडेट करते जाना है, ये पूरा प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे फोर आई इक्वल टू जीरो टू एन, क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे इस इंडेक्स पे, ये इस एरे को ए नाम दे देते हैं और इस एरे को बी नाम दे देते हैं, जो कि वेटर के नाम थे उन्हीं नाम से मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूं। तो यहां पे हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ ए ऑफ, मान लीजिए ये जो हमारा पेयर है, तो ये पी डॉट पी ऑफ आई डॉट, क्योंकि हमें इंडेक्स निकालना था, तो इसका इंडेक्स क्या आएगा, इंडेक्स से होगा इंडेक्स, ये इस इंडेक्स से हम सिर्फ ये वन वैल्यू निकली, ये वैल्यू कहां से आ गई, वन यहां आ जाएगी, इज ग्रेटर देन b ऑफ सेम p ऑफ i डॉट इंडेक्स। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि इसमें a की वैल्यू बड़ी है या b की वैल्यू बड़ी है, यानी कि पहले वाली वैल्यू बड़ी है या दूसरी वाली वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पहली वैल्यू बड़ी है। अब हम चेक करेंगे दूसरी कंडीशन भी चेक करेंगे, हमें पता चल गया कि वैल्यू किसकी बड़ी है, x की। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो हम चेक करेंगे इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हम एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हर बार एक कम करते जाएंगे, अभी कितने ऑर्डर ले सकता है, तीन, जैसे ही इस ऑर्डर को पिकअप करेगा आप कितने ऑर्डर ले पाएगा अगली बार, दो। तो ये एक्स की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, यानी कि एक्स ऑर्डर लेना चाहिए, उसकी कोटा खत्म नहीं होनी चाहिए, जैसे ये तीन तक ले सकता है, तो तीन ऐसा ना हो कि तीन खत्म हो जाए उसके बाद भी फिर चाहे की वैल्यू मैक्सिमम आए चाहे मिनिमम आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी तब हम चेक कराएंगे क्या, तब हम क्या करेंगे, हमारा जो सम वैल्यू होगी, जो हमारा टोटल सम होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो सम वैल्यू हो जाएगी सम इक्वल टू प्रीवियस सम जो था प्लस, हमने चूंकि एक्स की वैल्यू बात कर रहे हैं तो ए वाले वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ए की वैल्यू ज्यादा है, तो ए ऑफ सेम यही ये वाली पूरी वैल्यू यहां आएगी पी ऑफ आई डॉट इंडेक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये एक्चुअली में इंडेक्स को स्टोर कराए थे हम, और इंडेक्स को अगर हमें फेच करना है तो चूंकि ये स्ट्रक्चर में है तो स्ट्रक्चर का नाम पी है
और कौन सा स्ट्रक्चर है, जीरो पोजिशन का स्ट्रक्चर है और उसके इंडेक्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से मैंने ये वैल्यू ए में स्टोर करा दी, साथ ही साथ मैंने एक्स को माइनस माइनस भी कर दिया, क्यों, क्योंकि एक्स एक ऑर्डर ले चुका है। तो पहली बार में ये यहां पे एक ऑर्डर लेने के बाद ये टू बचेगा, तो सबसे पहले हमारा सम्स इनिशियली जीरो था तो सबसे पहले आठ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे फिर से चेक करेगा, अगर ये जीरो से बड़ा नहीं होता तो हम क्या करते, हम एक्स ऑर्डर नहीं ले सकता था, तो चाहे वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कंट्रोल किसके पास चला जाता, बी के पास, तो बी को ऑर्डर लेना ही पड़ता चाहे वो वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो। सिमिलरली सेकंड टाइम ऐसा ही चेक होगा, तो सेकंड टाइम पे वैल्यू क्या आ रही है, फाइव। तो फिफ्थ इंडेक्स पे चेक करेंगे इसी के थ्रू, फिफ्थ इंडेक्स पे चेक करेंगे, फिफ्थ इंडेक्स कहां है, फिफ्थ इंडेक्स यहां पर है, फिफ्थ इंडेक्स यहां पर है, तो इसमें देखेंगे किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें अभी भी ए की वैल्यू ही ज्यादा है। तो फिर से चूंकि एक्स अभी ग्रेटर देन जीरो है तो फिर से सेवन इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, सेवन इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी बची, एक ऑर्डर और ले सकता है। अब अगली बार हम चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू है, यानी कि जीरो इंडेक्स की। तो जीरो इंडेक्स पे चेक करेंगे तो जीरो इंडेक्स पे किसकी वैल्यू ज्यादा है, ए की, और हम चेक करेंगे एक्स भी ज्यादा है हमारा, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर से हम ए वाली वैल्यू को नाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, किसको सेलेक्ट कर लेंगे, नाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, तो अब हमारी वैल्यू ये जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि अब ए और ऑर्डर नहीं ले सकता, तो इसने तीन वैल्यू सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट इंडेक्स पे हम देखेंगे फोर। अब जरूरी नहीं था कि हर बार यही कंडीशन आती, दूसरी कंडीशन भी आ सकती थी, जैसे यहां पे वैल्यू, अगर यहां पे वैल्यू जैसे यहां पे नाइन होता यहां पे फाइव होता, तो ये भी ये होता कि बी वैल्यू लेता तो हम बाय को माइनस करते, यानी कि ये कंडीशन, अगर ये अगर ये कंडीशन यहां पे एल्स आएगा, इस इफ का एल्स, और यहां पे हम बाय को बाय के लिए यानी कि बाय माइनस माइनस करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, इसकी जगह क्या करेंगे, यही लाइन यहां लिखेंगे और यहां ए की जगह क्या लिखेंगे, बी, क्योंकि हम बी वाले को सिलेक्ट करें, लेकिन ये इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा है इस। अगर ये कंडीशन नहीं होती, यानी कि ए वाला वैल्यू बड़ी नहीं होती, तो कहां जाता, कंट्रोल पाई के पास जाता, यानी कि बी वाली वैल्यू के पास। तो चलिए नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करते हैं, फोर। फोर इंडेक्स किसका है, फोर इंडेक्स है इसका, तो इसमें वैल्यू किसकी ज्यादा है, बी की वैल्यू ज्यादा है, तो बी की वैल्यू ज्यादा है यानी कि हम बाय को कंसिडर कर रहे हैं, हमारे पास बाय ऑर्डर लेने का ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो यहां पे एट सेलेक्ट हो जाएगा और ये वैल्यू एक कम हो जाएगी, यानी कि थ्री बचेगी। फिर अगली बार में फिर चेक करेगा कौन सा इंडेक्स पे, टू पे, तो टू इंडेक्स कहां है, टू इंडेक्स यहां है, तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, बी की ही है, तो प्लस नाइन, और यहां पे एक और कम हो जाएगा यानी कि टू हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे इसकी वैल्यू है इंडेक्स नंबर टू की, सॉरी इंडेक्स नंबर टू मैंने आई थिंक दो बार लिख दिया है, तो ये इंडेक्स नंबर थ्री था, सॉरी ये इंडेक्स नंबर थ्री था, ये टू वाला यहां आया, थ्री वाला यहां आया, तो देखिए थ्री वाले में मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, मैक्सिमम वैल्यू ए की है, लेकिन क्या ए यहां पे ऑर्डर ले सकता, नहीं ले सकता, क्योंकि एक्स का कोटा कंप्लीट हो चुका है, वो तीन बार वैल्यू ले सकता था, तो यहां पे तीन बार फिनिश हो गया है, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की ही वैल्यू सेलेक्ट होगी, भले ही ये छोटी वैल्यू है, यहां पे बी की वैल्यू छोटी है, ए को लेना चाहिए था, लेकिन ए तीन ऑर्डर ले सकता था, उसने तीन ऑर्डर ले लिए, तो यहां पे प्लस क्या हो जाएगा, सिक्स, जो कि बी ने ऑर्डर लिया, तो ये जो वैल्यू आएगी ये मैक्सिमम आएगी। आप देख सकते हैं कि आप कोई भी वैल्यू पिकअप करें, जैसे कि मैंने आपको पहले एटरेंडम बताया था कि हम पहले मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नाइन एट और नाइन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां से नाइन सिक्स एट और टू सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आप इनको सेलेक्ट करते हैं तो वो वैल्यू मिनिमम आएगी, ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी, यानी कि हम जो सोच रहे थे, छोटा सा क्वेश्चन था, हम जो सोच रहे थे वो आंसर नहीं आया, क्यों क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहां पे मैक्सिमम वैल्यू तो ली, लेकिन हम यहां पर ये देखिए, हमने यहां पे वैल्यू ली, सबसे पहले हम ऊपर वाले में से तीन वैल्यू ले सकते थे, तो हमें क्या लगा कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन ले लेते हैं, तो हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और फिर जो बाकी बचेंगी तो सेकंड वाले में से मैं वाले को लेना ही पड़ेगा, और फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारे पास ये दो तीन चार ये वैल्यू हमने सेलेक्ट की, तो अगर हम इनका सम करेंगे तो ये मैक्सिमम नहीं आएगा, ये वाला वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो यहां पर ये नहीं देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू हम पिकअप करनी, ये देखना है कि मैक्सिमम डिफरेंस किससे आ रहा है, जैसे अगर यहां पे बात करें तो अगर सेवन वाला ऑर्डर लेते तो यहां पे पांच रुपए का बेनिफिट होता, फाइव यूनिट का बेनिफिट होता, जबकि यहां पे देखिए सिर्फ तीन का बेनिफिट हो रहा है, अगर सिक्स वाला भी लेता है तो लॉस कितने का होगा, तीन का, तो यहां पे तीन का लॉस बचा के क्या कर सकते हैं हम, फाइव का जो गेन है वो ले सकते हैं, तो दो रुपए या दो यूनिट हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जनरली इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि दिमाग में ये आता है कि चलो पहले में से हम नंबर ऑफ एक्स जैसे फाइव है तो फाइव मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेते हैं, बी में से बाय को थ्री है तो थ्री मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। इसका पूरा प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे आपको मिल जाएगा, यहां पे बस कंडीशन क्या थी, अगर
ए वाली वैल्यू बड़ी है तो हम चेक करेंगे क्या एक्स की कैपेसिटी है ऑल लेने की, अगर है तो एक्स की वैल्यू को पिकअप करेंगे, अदरवाइज वाई की वैल्यू को पिकअप करेंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू बड़ी नहीं है तो हम क्या करेंगे इसका उल्टा, फिर हम बाय वाली वैल्यू को चेक करेंगे क्या बाय की कैपेसिटी है और लेने की, अगर है तो बाय वाली वैल्यू को यानी कि सेकंड वाली वैल्यू को पिकअप करेंगे, अगर कैपेसिटी नहीं है तो हमें फिर पहली वाली वैल्यू पे जाना ही पड़ेगा। और इनमें से कोई ना कोई एक केस जरूर होगा, क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई एन से बड़ा है, तो ऐसा कभी नहीं आएगा कि दोनों का जो वो है खत्म हो जाए और हमारे टेबल खत्म ना हो, तो टेबल खत्म होने के बाद ही ये जो इनका जो ऑर्डर है वो खत्म होगा। तो आई होप कि आपको ये मैक्सिमम टिप कैलकुलेटर का जो हमारा बेसिक प्रोग्राम है ऑर्डर ऑफ लॉग एन लॉग एन में, एन लॉग एन बेसिकली मेन लॉजिक तो यहां पर है हमारा जो कि ऑर्डर ऑफ एन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो वन टू एन ही हम यहाँ पे जीरो टू एन चला रहे हैं, लेकिन चूंकि हमें सॉर्ट भी करना है एरे को तो सॉर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन मिनिमम जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का यूज करके सॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उसके साथ साथ उसका इंडेक्स भी चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सी वैल्यू किसकी है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते तो हम पता ही नहीं कर पाते कि कौन सी वैल्यू कहां से आ रही है, तो इसलिए हमें ये वैल्यू भी फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रोग्राम का, आप प्रोग्राम समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिए, और इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन एंड्रॉइड ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने फीडबैक और सजेशन वहां पे दे सकते हैं। उसमें प्लेसमेंट्स रिगार्डिंग और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट्स रिगार्डिंग नोटिफिकेशन या जानकारी है वो सारी की सारी मैं उसमें अपडेट कर रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि उसमें और कोई इंप्रूवमेंट किया जा सकता है तो आप वहां पे फीडबैक का भी ऑप्शन है, आप फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।